तुम दोनों आगे बढ़ जाओ और आगे हो जाओ ऐसे धीरे धीरे हमारी मासूम बच्चियों के साथ किसी भी धर्म की हो सकती है, बेटी बेटी होती है, उसके साथ जो ज्यादती हो रही है, जो जुर्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम सब लोगों ने एक ये शांति मार्च निकाला है। एक मौन जुलूस है, हम लोग कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, हम कैंडल जला रहे हैं उनकी आत्मिक शांति के लिए, उनकी रूह को सुकून मिले और लोगों में इस बात की कम से कम फिक्र पैदा हो कि भाई हम क्या समाज देना चाहते हैं। ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, हम इनके लिए क्या समाज छोड़ के जाएंगे, क्या हम उत्सुक कर रहे हैं इसके लिए आज हम सब लोग मिलकर, सभी धर्मों के लोग हैं। देखिए, आज हमारे देश के अंदर ऐसी घिनौनी घटनाएँ हो रही हैं जिससे तमाम ही इंसानियत को संसार कर दिया है। मासूम बच्चों को रेप करके कत्ल करना, उससे भी ज़्यादा शर्मसार बात ये है कि रेपिस्ट को लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तिरंगे लेके खड़े हो रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा घृणा की बात ये है कि जिस बच्ची का मासूमियत का कत्ल हुआ, जब कत्ल होते वक्त जिसने अपनी माँ को ज़रूर पुकारा होगा, उस बच्ची के कत्ल को आज ये कहा जा रहा है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। हम मांग करते हैं सरकारों से, दिल्ली की सरकार से भी, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, कि मासूम बच्चियों को जीने का हक दे दो। ऐसा ना हो कि लोग मासूम बच्चियों को मां के पेट में ही कत्ल करके और उनका अबॉर्शन करा दें और हिंदुस्तान में मासूम बच्चियों का अकाल पड़ जाए। इसलिए इंसानियत को बचाने के लिए आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है, मासूम बच्चों को बच्चियों को बचाने के लिए कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं। और हम अपील सबसे करते हैं, इन बच्चियों के लिए, इनके हक के लिए सब खड़े हो जाएं और हमारे देश की एकता को, अखंडता को भी बचाएं। क्योंकि कोशिशें की जा रही है कि इस रेप के बहाने हमारा सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ा जाए। बच्चों का कोई मजहब नहीं होता, ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, इन बच्चों के साथ तो कम से कम ये लोग रहम करें। जो है ये शांति मार्च निकाले हुए हैं कैंडल जला करके, और हम लोगों को अफसोस है कि आज इन बच्चों के साथ, छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ जो है इस प्रकार से बर्ताव किया जा रहा है। इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए और दोषियों को उनको जुर्म देना चाहिए, और जहां तक हो सके इनको फांसी की सज़ा देना चाहिए, क्योंकि ये जुर्म जो है ये अच्छा नहीं है।
फादर फादर पॉल की वाइट ले फादर जी जी हम जी मिनट चाहते हैं कि जिस भारत को हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी दिलाई थी, आज भारत के लोग हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ ये ऐसा न्याय का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो भारत सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे साथ बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। हम डॉक्टर एस टी हसन साहब की बात से बिल्कुल तारुफ रखते हैं कि ऐसा ना हो कि लोग बच्चों को अपनी बेटियों को माँ के घर से ही खत्म कर दें। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि ऐसा जुर्म करने वालों को फांसी की सजा, तत्काल सजा, उनके शरीर को खून देना चाहिए ताकि कोई ऐसा हिम्मत न कर सके। हम सब यही चाहते हैं कि बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ। धन्यवाद।